अभी ये अपना मैकबुक का एप्पल का मैकबुक M1 आया है, तो आज उसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये डायरेक्ट एप्पल से आया, जो डायरेक्ट एप्पल से ही आती थी, डायरेक्ट एप्पल से नहीं आती, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई कंपनी भेजती, तो ये अपना डायरेक्ट एप्पल से आया। चाकू ना लगा देना भाई, हम भाई काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। अंदर क्या क्या निकलता है और उसके स्पेसिफिकेशंस, जो कि स्पेसिफिकेशंस अपने ये अभी तक का लेटेस्ट एप्पल का लैपटॉप है, विच इज़ द फास्टेस्ट M1 चिप है, और इसका अंदर का तो मैंने दिखाई दिया है। बाकी ये टच बार है, फुल्ली टच है, ठीक है, और इसका 512 SSD है, 8 core GPU 8 core CPU है। और अभी देखते हैं इसके अंदर, ये एप्पल का वो है गाइड है, जिसमें ये एक मतलब सिंपल गाइड है जिसमें मतलब सारी चीज़ें बताई हैं। ये एप्पल के ऑथेंटिक स्टिकर्स हैं और ये कुछ नॉर्मल से गाइड है। बाकी इसमें एक चार्जिंग ब्रिक है एंड केबल है, दैट्स इट, यही है इसमें। और प्राइस है इसका अप्रॉक्स, इसमें प्रिंट प्राइस 142 है, तो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर GST ये 160-150 प्लस ही पड़ेगा। सो दैट्स इट। हवेली से खाना मंगाया है, तो अभी अपन इसकी मतलब देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है। तो अपन ने तीन चीज़ें मंगाई हैं, जो इसमें 6 मिस्सी रोटी हैं और पनीर टिक्का मसाला है ना, पनीर टिक्का मसाला और एक मशरूम मसाला है, ठीक है। तो अभी अपन तीनों का ये करते हैं, देखते हैं कैसी क्या ऑयल वगैरह क्या, फिर उसको मतलब रिव्यू डालते हैं उसका भी, ठीक है। ये है पनीर मशरूम है ये मशरूम है ये, तो ऑयल तो है इसमें ये मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी तो देखने में काफी अच्छी लग रही, अभी टेस्ट करके भी बताएंगे। दूसरा ये पनीर टिक्का मसाला है, ये अभी अपन निकालते हैं। ये तो पहले ऑयल ही आ गया इसमें, तो इस ऑयल को पहले इसका डोरे में निकाल,
पनीर टिक्का मसाला, उसमें पनीर के पीसेस तो काफ़ी हैं, मतलब एक फुल के हिसाब से तो फुल के हिसाब से तो काफ़ी हैं, और मसालेदार भी काफ़ी अच्छी है। बाकी ये दोनों का भी टेस्ट करके तो बताएंगे ही, बाकी अभी रोटी देखते हैं कैसी क्या आई हैं। रोटी कौन कौन सी मंगाई हैं? रोटी हैं मिस्सी रोटी हैं और तंदूरी रोटियाँ, और एक आज बटर कुलचा मंगाया है, वो देखते हैं। तो ये तो आप, ये मिस्सी हैं, मिस्सी रोटी तो काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ की वैसे भी। ये सारी मिस्सी रोटी हैं, ये दोनों हैं अपनी तंदूरी रोटी, और ये है बटर कुलचा। ये नान जैसा लग रहा है ना? हाँ नान जैसा भी है, और नान, हाँ नानी जैसा है नानी। तो अभी अपन, और ये है प्याज, और ये ऑनियन है, ये पहले अभी बटर कुलचे से मशरूम ट्राई करते हैं कैसा है। कुलचा ठंडा हो गया तो काफी खिंच रहा है, तो घर के लायक तो कुलचा नहीं है। बाकी मशरूम में बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब मसालेदार अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, मशरूम का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और पनीर टिक्का मसाला तो वैसे भी वेरीफाइड है, पनीर टिक्का मसाला तो वेरीफाइड है, हम लोग वो हमेशा ही बहुत अच्छा आता। और अभी अपन टेस्ट करते हैं, पनीर टिक्का मसाला एज यूजुअल बहुत अच्छा है। बाकी हवेली से मंगाया है, हवेली रेस्टोरेंट का सबको पता ही होगा, जो कि मेन मार्केट में है, बॉम्बे बिग बॉम्बे सिलेक्शन के बगल में वहाँ पे। बाकी स्विगी में है ये, वहाँ से ऑर्डर कर सकते, ठीक है। चलो